हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के गांव सेव के एक परिवार ने तीन तरह की वैरायटी के सेब का उत्पादन करके मिसाल पेश की है और अपनी जमीन पर तैयार किए सेबों से लाखों रुपए का उत्पादन भी कर रहे हैं। शौकिया तौर पर शुरू किए गए व्यवसाय से आज एक सीजन में 300 से ज्यादा सेबों के पौधे से मुनाफा कमा रहे हैं। ऊपरी पहाड़ों की तर्ज पर सेव गांव के में शुरू किए गए सेब के पौधों की सही ढंग से देखरेख करके आज के समय में हमीरपुर में सेब के सबसे ज्यादा पौधों का बगीचा लगाने में भी नाम कमाया है। वहीं सेब उत्पादन की बात करें तो 2015 से शुरू हुए कारोबार में बीते वर्ष भी सेब की फसल से 2 से 3 लाख रुपए कमाए हैं और इस साल भी 20 क्विंटल सेब का उत्पादन होने की उम्मीद है। गर्म वातावरण होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में तीन तरह की वैरायटी के सेब उत्पादन की आसपास के लोगों में जमकर सराहना की जा रही है। बागवानी संतोष कुमारी ने बताया कि 5 साल के बाद सेब के पौधे फल देने शुरू हुए थे और अब अच्छा उत्पादन हो रहा है। उन्होंने बताया कि सेब के अलावा आड़ू, खुमानी, आम, लीची, अमरूद इत्यादि के भी पौधों से अच्छे फल मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोल्डन HR आना वैरायटी के सेब का बगीचा तैयार किया है जिससे बाजार में बेचकर मुनाफा हो रहा है। संतोष कुमारी ने बताया कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे युवा सेब के बगीचे लगाकर बागवानी क्षेत्र में स्वरोजगार अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि बगीचे तैयार करने में मेहनत तो लगती है लेकिन इससे सालाना अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। ये हमने 2015 में 15 में लगाए हमने। ऊपर थे हम, पहले साइंस में थे, फिर कुमार्स में, फिर वहाँ से हमने पार्टी वोटी का इंतजाम किया। फिर बेटा घर में था, इसके क्लिनिक था पट्टा में, तो फिर उधर पार वाले खेत में हमने 120 पौधा लगाया। उसके बाद फिर हमने नीचे वाले खेत में लगाया 120, फिर यहाँ पे लास्ट में इधर लगाए पार्टी लगा के, फिर कलमे करके। फिर काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है, खाद गोबर बोल का लेना पड़ा, फिर सारा बच्चे भी लेबर भी सब ने इकट्ठा मिल करके काम किया हमने। फिर पाँच साल बाद फल देने लग गए। 5 साल के बाद फिर अब फल दे ही रहे हैं अच्छी तरह से, पर इसकी देखभाल बड़ी करनी पड़ती है। अगर बरसात के दिनों में इसके दीमक वाली दवाई डालनी पड़ती है, नहीं तो ये इनकी जड़ों को काट के पौधा खड़ा ही सूख जाता है। फिर काफ़ी इससे आमदन का जरिया है अच्छा। अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो अपनी मेहनत करके कुछ भी कमा सकता है आदमी अपने, मतलब ऐसा नहीं है भाई हमारी आमदन का जरिया नहीं है, तो इससे काफ़ी आमदन भी है और अपने आराम से अपना काम करते रहते हैं, अपने बिजी रहते हैं। लगे अगर बात करें आमदन की तो कितना उत्पादन साल में हो जाता है आपके इन प्लांट से? अभी तो 1.5-2 लाख के करीब हो जाता है अगर ठीक फसल आ जाए। फिर बीच में मक्खी डंग जाती है तो फिर काफ़ी प्रिय है भाई, चलो चला जाता है थोड़ा, मात को सड़ जाता है, को कुछ को कुछ हो जाता है। फिर कौन कौन सी वैरायटी के सेब के प्लांट लगाए हैं आपने? एक तो अन्ना है, गोल्डन है और HR है, तीन वैरायटी है। बाकी ब्रेसलेस आड़ू है, खुमानी है, शक्करपारा है, पलम है, बब्बू भी है, क्या बोलते हैं उसको, नाक बब्बू कुछ, ये सब आस्ते आस्ते लगाए हुए हैं। आम है, दशहरी आम है, काफ़ी 40-50 पौधा है आम का भी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो काम में ऐसे कर? लोगों के अपनी रुचि ऐसा है ना, अगर बाहर नौकरी ना मिले, जैसे अब लॉकडाउन लगा हुआ था, जिनके पास ज़मीन थी, कईयों ने सब्जी उगाई, कईयों ने फूल उगा के बेचे, तो कुछ भी अपना आमदन का जरिया बना सकते हैं। कोई भी पौधा लगा लो जो अपनी शौक हो, जिस काम में उसके अपना रोज़मर्रा का खर्चा भी निकलता और अपने आप भी आदमी बिजी रहता है। और अपना सारी तो बात अपनी इंटरेस्ट की है ना, अपने अंदर आपको किसी चीज़ में लगाव है तो उसको अच्छी तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें भी वहाँ ऊपर रहे हम, तभी शौक हुआ, फिर देखो ये भी तो लगा रहे हैं। फिर वहाँ से हमने किताब तूब लेके पढ़ाई करी, कहते हैं भाई यहाँ भी, यहाँ के क्लाइमेट का पौधा भी तैयार किया हुआ है नौणी यूनिवर्सिटी में। तो फिर तब से हमने पड़ताल करके फिर तब ये फिर हमने शुरू किया यहाँ लगाना। अब की बात करें जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सरकार है, उसकी तरफ से भी आपने कोई हेल्प ली डिपार्टमेंट की? उनकी तरफ से नेट वगैरह के लिए, बाकी नहीं, नेट के लिए और ये टैंक में उन्होंने थोड़ी एड दी हुई है।
जब ये पक के तैयार हो जाते हैं तो कहाँ पे सेल आउट करते हैं? ये गांव में भी बिक जाते हैं और बाहर से भी ले जाते हैं और मंडी में भी दे जाते हैं और बिक जाते हैं सारा माल अच्छे से। संतोष कुमारी के बेटे ने बताया कि गत साल भी बागवानी से 2 से 3 लाख रुपए की अर्जित आय हुई है। उन्होंने बताया कि करीब 14 क्विंटल से ज्यादा सेब का उत्पादन किया गया है जिसे हमीरपुर सब्जी मंडी में बेचा गया है। उन्होंने बताया कि शुरू में नतीजा कम आता है लेकिन बाद में सही ढंग से देखभाल करने के बाद पैदावार में बढ़ोतरी हुई है तो आय भी बढ़ेगी। जी बेसिकली तो जो ये जो रूट स्टॉक्स होता है ये काफ़ी कम टाइम में फ्रूट दे देता है, लेकिन वही बात होती है कि जब तक पौधा जो है बेस से बिल्कुल सॉलिड ना हो जाए, उसके तने अच्छे ना हो जाए, सॉलिड ना हो जाए, तब तक उससे अच्छे से फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए। तो आपका जो जिसको बोलते हैं ना जब बच्चा पूरा भर जाता है तो वैसे पौधों का भी वही सिस्टम होता है, जब उनके पास सारी खुराक हो जाती है, उनकी पूरी कंप्लीट तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है तो फ्रूट लेने का फ़ायदा उस टाइम पे होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पौधा अच्छे से डेवलप हो जाए, उसका बेस अच्छा हो, उसके तने स्ट्रांग हो। सो वही है, बेस जितना अच्छा रहेगा फ्रूटिंग उतना अच्छा रहता है। सो ये कॉन्सेप्ट जो हमने अपर बेल्ट से भी लर्न किया है, तो हमारे जो फादर साहब थे वो SDO रिटायर्ड हैं कुमार सिंह से IPS डिपार्टमेंट से, तो वहाँ लोगों से मतलब अच्छी तरीके से मतलब एंगेज थे, उन्होंने देखा चीज़ों को, एनालाइज किया और मतलब थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा, लोगों से जाना भी क्या प्रोसेस है। जो बेसिक प्रोसेस है जो अपर बेल्ट में यूज़ होता है सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है उसमें, बस थोड़ा टाइम का डिफरेंस है कि यहाँ फ्रूट पहले आ जाता है, वहाँ थोड़ा स्टॉक की वजह से कि मतलब जो बेल्ट है हाइट के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स डिज़ाइन किए गए हैं उसके हिसाब से ये अर्ली वराइटी होती है तो अपर में लेटर ऑन चलती है। सो प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये था कि ज़मीन बहुत ज़्यादा थी तो ज़मीन मतलब इनिशिएटिव तो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना फॉन्ड ऑफ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, शौक था, शौक शौक से चीज़ें स्टार्ट की, शौक शौक से वो चीज़ें फिर वो क्यूरियोसिटी बन गई कि नहीं हम ऐसा मतलब कुछ हट के कर सकते हैं। एक दो पौधा लगाना तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लार्ज स्केल पे चीज़ को करना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिवोशन चाहिए आपकी, फिर मतलब आपको चीज़ को लगाना ही अलग नहीं होता, उसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग उसको एग्जीक्यूट करके भी बताना होता है इतने लार्ज स्केल पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली भी हैं, मेंटली भी है, सोशली भी हैं, लेबर्स आती हैं टाइम टू टाइम, मतलब इसका ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी एक चीज़, हर चीज़ का एक स्केड्यूल होता है, जैसे बच्चे आज की डेट में आप जैसे बींग अ रिपोर्टर आपका भी एक स्केड्यूल होता है इस टाइम में ये करना है, तो वैसे ही सेब का पूरे साल भर का एक स्केड्यूल होता है, अगर आपने कोई भी एक चीज़ स्किप कर दी तो मीन्स यू हैव लॉस्ट द गेम। तो ये चीज़ है, सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक मतलब एक सीढ़ी नुमा तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कितने ऐसे पौधे लगाए आपने? अभी 300+ हैं, जिसमें सेब के ही के इंडिविजुअली 3 वैरायटी हैं, अन्ना चार एंड गोल्डन, और उसके अलावा ब्रेसलेस परलेस जिसको हम एग्जैक्ट जो वर्ड है परलेस आड़ू वो और बब्बू वोशा और नाशपति और आम तो हमारे यूजली इस बेल्ट में होता ही है, तो वो बहुत टाइप के पौधे हैं, लेकिन सेब का अगर मेजरली अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका 300+ प्लांट्स हमारे पास हैं, मतलब प्लांट्स नहीं इस टाइम पे तो वो पेड़ बन चुके हैं। मतलब क्लाइमेट की बात करें तो मतलब पूरी तरह सूटेबल है यहाँ पे? क्लाइमेट तो सूटेड है बट हाँ पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज अनटेनलेस क्योंकि अपर बेल्ट की अगर हम बात की जाए उनकी ज़मीन में नमी होती है, ठंड रहती है, यहाँ पे ऐसा होता है अभी इस टाइम पे आपको सेब लगा हुआ दिख रहा है तो आप सोच सकते हैं कि नमी तो चाहिए, अगर नमी ज़मीन में नहीं है या तो आप आर्टिफिशली दो मतलब पानी दो ठीक है, नहीं तो बारिश होनी चाहिए, जैसे आजकल बारिश हो रही है तो बारिश भी काफ़ी हेल्प कर देती है। तो मतलब पिछले 2 साल से अगर सीज़न चल रहा है तो उसमें ये हो रहा है कि टाइम टू टाइम बारिश हो रही है, मैनुअली हमें खुद पानी कम देना पड़ जाता है जब बारिश हो जाती है, नहीं तो हमें लास्ट ईयर की जो क्रॉप थी उसमें कम से कम 14 क्विंटल सेब था जो अच्छा क्वालिटी का गया, और उसमें वेस्टेज इंक्लूड करके मतलब 18-20 हो गया था, 18-20। अगर अमाउंट की बात की जाए तो कितने लाखों तक बिका सकते हैं? वही है, मतलब 1-1.5 लाख, 2 लाख तक का चला जाता है सारा मिला के, मतलब घर से भी ले जाते हैं, मंडी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ लोग स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट भी देते हैं अपनी। सो मतलब चीज़ जो अब बढ़ी रही है, मतलब जिस हिसाब से वही होता है ना कि डे टू डे लाइफ स्टाइल जब आप स्पेंड करते हैं किसी चीज़ के साथ, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो आप चीज़ और बेटर करते हो, तो नई इनोवेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस सेंस में मतलब चीज़ें बेटर ही हो रही हैं, आगे ही जा रही हैं, मतलब बैकवर्ड पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाकी नफा नुकसान तो चला ही रहता है। मतलब हमीरपुर में बात की जाए तो काफ़ी किसान जो है खेती बाड़ी करना छोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सी
संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी काम अगर किसी इंसान को या किसी फैमिली को करना है, वो अकेले तो हो नहीं सकता. सो हमारे फादर साहब ने भी एक विज़न रखा. सो ही इज़ लाइक अ गॉड फादर टू अस. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि भाई ये बोल दिया और ये कर दो. उन्होंने बोला कि यार वी कैन अटेम्प्ट. उन्होंने बोला अटेम्प्ट करो. हमने अटेम्प्ट किया. अटेम्प्ट किया. हमें वही होता है ना कि हम आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ से जब तक हम अपने इनपुट्स नहीं देंगे. इनपुट्स दिया, आउटपुट्स आई. आउटपुट्स के बाद हमें और रियलाइजेशन हुआ, रिसर्च हुई और ज्ञान लिया. बेसिक नॉलेज जो था सबसे पहले हमारे फादर साहब को ही था. उन्होंने ही वो नॉलेज ट्रांसफ़र किया ग्राउंड पे. उन्होंने देखा अब थोड़ा वो उनका तबीयत ज़्यादा वॉक वगैरह नहीं करते हैं, तो उनका वर्बली ही यूज़ टू गाइड. और हमीरपुर के जो एग्रीकल्चर पर्सन हैं उनको हम यही गाइडेंस दे, देखो काम करना नहीं करना तो आपकी विल पावर है. अगर किसी के पास इतना सफिशेंट फंड्स हैं और अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम्स हैं, सो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है. चीज़ों को हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट तभी कर सकते हैं जब तक हमें उसका पता ना हो, हमने लाइव उसको देखा ना हो. चलो मान लिया लाइव भी नहीं देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड भी अगर हम ट्राई करते हैं तो हमें एटलीस्ट उसका नॉलेज तो लेना चाहिए कहीं से. बिना नॉलेज के हम चीज़ को कर नहीं सकते हैं. तो ये है, सबकी अपनी इच्छा है, जिज्ञासा है, क्यूरियसिटी है, डिवोशन है, सबके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में कमी है, लेकिन इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. थैंक यू सर. थैंक यू.